शहर में ऑपरेशन गुंडा अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को निगम का अमला हरसिद्धि जोन में हिस्ट्री शीटर रवि काले के मकान पर कार्रवाई करने पहुंचा, लेकिन यहां अमले को एक महिला के विरोध का सामना करना पड़ा। रोते सिसकते हुए महिला टीम से यही गुहार लगा रही थी कि ये मकान उसका है, न कि रवि काले का। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि शहर में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन गुंडा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें गुंडों की सूची तैयार की गई है, जिनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को अमला हरसिद्धि जोन पर हिस्ट्री शीटर रवि काले का मकान तोड़ने पहुंची, मगर यहां महिलाओं ने अमले का विरोध शुरू कर दिया। महिलाओं का कहना था ये मकान उनका है, रवि काले का नहीं है। रवि तो आश्रम में रहता है, उसका मकान तो पहले ही तोड़ा जा चुका है। बावजूद इसके अमले ने कार्रवाई करते हुए मकान को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि ये रवि काले का ससुराल है। महिला के मुताबिक ये मकान उनका है, 50 वर्षों से वो यहाँ रह रही हैं। पट्टे का मकान उन्होंने खरीदा था, उनके पास सभी दस्तावेज भी मौजूद हैं। अब वे इस मामले में आगामी कार्रवाई करेंगी। मेरे को तो 50 साल हो गए इस मोहल्ले में, जवानी से बुढ़ी हो गई मैं। पट्टे का मकान है ये मैंने खरीदा था मकान, कोई रवि काले का मकान नहीं था ये। तहसीलदार सुदीप मीणा के मुताबिक हिस्ट्री शीटर रवि काले के मकान पर कार्रवाई की गई है। ये रवि काला है, रावजी बाजार थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। उसका था दूसरा अवैध रूप से निर्माण कर रखा था, जर्जर था और वो नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई। एक रवि काला है और उनके मकान के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की है। अवैध निर्माण था, बिना स्वीकृति के थे, इसलिए उनको हटा दिया। देखा जाए तो ऑपरेशन गुंडा अभियान में लगातार गुंडों के मकानों को ध्वस्त तो किया जा रहा है, वहीं परिजनों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।